हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्न इंग्लिश चैप्टर नंबर 3.3 न्यूज एनालिसिस। इसका जो है तीसरा भाग ए बी पहले भी हो चुका था, आज हम सी स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम जो स्टेटमेंट दिया गया है न्यूज आइटम है उसको रीडिंग करेंगे। मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, लंदन। The famous physics professor Stephen Hawking has warned that mankind is facing the most dangerous time. लंदन के फिजिक्स के जो प्रोफेसर थे हैं उन्होंने वार्न किया है कि मानवता के समक्ष बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है इस समय। इट इज हिस्ट्री टुडे, इन हिस्ट्री टुडे। He said that the world today is facing huge challenges. इस समय विश्व के सामने बहुत बड़े बड़े चुनौतियाँ हैं, like climate change, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, over pollution, जनसंख्या से संबंधित, epidemic diseases। इस समय देखो कोरोना चल रहा है, उन्होंने इसकी चेतावनी पहले भी दी थी, जो कि अभी अब हम लोग उसका सामना कर रहे हैं। पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है, एपिडेमिक डिजीज कोरोना इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ। वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इस प्लैनेट को समाप्त कर सकते हैं। ऑन विच वी लीव एंड हैव नॉट एट डेवलप्ड, और हम कहाँ रहेंगे इसके बारे में अभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। द एबिलिटी टू एस्केप इट, परहैप्स अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, शायद कुछ हजार साल में, फ्रॉम नाउ अब से, वी विल हैव बिल्ट द कॉलोनीज एमिट द स्टार्ट, हम लोग दूसरे ग्रहों पर भी अपनी कॉलोनी बना सके। बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट एंड वी नीड, बट इस समय हमारे पास केवल एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है जिस पर हम रह सकते हैं, वह हमारा अर्थ। वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट, हमें इसलिए सबको साथ में मिलकर इसके लिए काम करना होगा। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्जियन न्यूज़पेपर, इन्होंने ये जो लेख उन्होंने लिखा है वो भी जल्दी ही गार्जियन पेपर के में लिखा था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मैनकाइंड, आंसर है मैनकाइंड ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन, विच वर्ड आर फ्रेसेज इन द न्यूज़ रिफर टू द अर्थ, अर्थ को किस शब्द द्वारा बताया गया है यहाँ पे, इसका आंसर है अर्थ प्लैनेट, इसका आंसर है प्लैनेट। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डू यू बिलीव इन द मोस्ट सीरियस, क्लाइमेट चेंज, ओवर पोल्यूशन, एपिडेमिक एपिडेमिक डिजीज, इसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो इसका आंसर है एपिडेमिक डिजीजेस, मोस्ट सीरियस है। चौथा, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच द हेल्प ऑफ योर रिचर, चौथा प्रश्न है डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट द टीचर, टीचर आंसर ए, वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डिस्ट्रॉय द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, बी वी विल हैव बिल्ट कॉलोनीज एमिट द स्टार्स, सी राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट। इसके बारे में डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के ऊपर चर्चा करना है, इसमें लिखने के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं है। सी राइट नाउ वी हैव ओनली वन प्लैनेट, इसके बारे की हमारे पास केवल रहने के लिए एक ही प्लैनेट है, एक ही ग्रह है। पांचवा प्रश्न है, प्रोफेसर हॉकिंस रोट अबाउट द प्रॉब्लम इन द गार्जियन, वाई इट इज़ गिवन एज न्यूज़ इन द अदर पेपर, इन अदर पेपर, तो इसका है टू स्प्रेड अवेयरनेस इन पीपल अबाउट द डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री, लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में छापा गया है, पब्लिश किया गया है। तो इसका आंसर हो गया टू स्प्रेड अवेयरनेस इन पीपल द डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी में TOW, 2 मिनट ओरल वर्क, टेल एज मेनी वर्ड एज पॉसिबल रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड, न्यूज़,
टीवी, रेडियो एंड मोबाइल, न्यूज़, न्यूज़ के प्रकार स्टोरी STORY, स्टोरी अकाउंट, इंटेलिजेंट, बुलेटिन, नोटिस, रिपोर्ट, डिस्पैच, र्यूमर, एक्सपोज, अनाउंसमेंट, रेडियो, वायरलेस, साउंड, रडार स्टेशन, एयरिंग, रेडियो सेट, वाकी, रिसीविंग सेट, फ्रीक्वेंसी, फिल्म, मोबाइल से रिलेटेड वर्ड, मैसेज, फोटो, ब्लूटूथ, सेलफोन, स्मार्टफोन, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, GPRS, ऐप, हैंडसेट, सिम कार्ड, रोमिंग, पिक्चर, टीवी से रिलेटेड वर्ड, वीडियो, टेलीविज़न, इंटरटेनमेंट, सीरियल, इंटरटेनमेंट दो बार हो गया, टेलीकास्टिंग, चैनल, BBC, न्यूज़, स्पोर्ट, एक्सेट्रा, ये इसी से रिलेटेड शब्द हैं। अब हम एक्टिविटी गो थ्रू द फ्यू स्पेसिमन ऑफ एनी मेजर न्यूज़पेपर, कोई भी एक न्यूज़पेपर लो, सो विल सी ईच पेज विल यूजुअली कैरीज ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूज़, प्रत्येक पेज पर उसी प्रकार के न्यूज़ छपे होते हैं, द टाइप ऑफ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू रीजन, उसको डिसाइड किया जाता है उस क्षेत्र के अनुसार, सिटी, स्टेट वाइज, नेशन वाइज, वर्ल्ड वाइड एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ न्यूज़, और न्यूज़ का नेचर क्या है उसके अनुसार भी छापा जाता है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, सांस्कृतिक न्यूज़ यानी कल्चरल, साइंस से रिलेटेड न्यूज़, फाइनेंशियल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एट्सेट्रा, रीड ऑल द न्यूज़ आइटम गिवन ऑन पेज नंबर 70 to 72 एंड डिसाइड द टाइप्स ऑफ विच ईज बिलोंग्स, पेज नंबर 70 to 72 तक के बीच में जो न्यूज़ आइटम दिए गए हैं उनको पढ़ो और वो बताओ कि वो किससे रिलेटेड वो न्यूज़ आइटम्स हैं, जैसे न्यूज़ आइटम ए, सिटी है बेंगलुरु और नेचर ऑफ न्यूज़ है एजुकेशन से रिलेटेड, न्यूज़ बी, सिटी मुंबई, नेचर ऑफ न्यूज़ इंटरटेनमेंट रिलेटेड है, न्यूज़ सी, सिटी लंदन, नेचर ऑफ न्यूज़ साइंस रिलेटेड, न्यूज़ डी, सिटी कवत है, नेचर ऑफ न्यूज़ मेडिकल और मेडिसिन रिलेटेड न्यूज़ है। सेकेंड, व्हाट अदर आइटम डू यू फाइंड इन न्यूज़पेपर बिसाइड न्यूज़, और इसके अलावा भी तुम्हें न्यूज़पेपर में और कौन से न्यूज़ तुम्हें मिलते हैं, व्हाट अदर आइटम डू यू फाइंड इन अ न्यूज़पेपर बिसाइड न्यूज़, एडिटोरियल, कार्टून्स, कॉमिक्स, रेसिपीज, पोस्टर, एडवाइस, इंफॉर्मेटिव आइटम्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ आइटम डी, डी क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट, इसका मतलब किसी भी बीमारी के लिए जल्दी से ठीक होने वाला एक ही दवा सब बीमारियों के लिए फ़ायदा करने वाली, स्टाफ रिपोर्टर कवाते, ये इस जगह का नाम है कवाते, 100 ऑफ पीपल हजारों लोगों का झुंड, फ्लॉक यानी झुंड, एवरी आवर प्रत्येक घंटे, रालेवाड़ी टिनी सेटलमेंट नियर अंबेगांव, ये अंबेगांव के निकट है, दे वेट लॉन्ग वाइंडिंग क्यूज इन द हॉट सन टू गेट अ स्पेशल पाउडर, गर्मी में धूप में खड़े हैं, लाइनों में घंटों घंटों खड़े हैं, वेट कर रहे हैं पाउडर फ्रॉम मेरी बाबा से पाउडर लेने के लिए, हु क्लेम दैट द क्योर ऑल सॉर्ट ऑफ डिजीज, वो ऐसा दावा करता है कि उसकी इस पाउडर से सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार ही वाज डेवलप द पाउडर फ्रॉम स्पेशल हर्ब, वह विशेष हर्ब से, विशेष जड़ी बूटियों से उस दवा का निर्माण किया है, वो जड़ी बूटी लाया है, हिमालय से लाया है, अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम, और उसका एग्जैक्ट नेम और सोर्स नहीं बता रहा है हर्ब का नाम जड़ी बूटी का, ही ओनली सेज दैट इट वाज रिवील्ड टू हिम, वो दिखाई नहीं देती, यहाँ कहीं दिखाई नहीं देती, ही ऑफर इज एज ₹25 a packet, वह एक पैकेट
₹25 में लोगों को दे रहा है। ईच पैकेट स्पेशली ब्लेस्ड और प्रत्येक पैकेट को उस पर दुआ किया गया है, दुआ यानी ब्लेस्ड किया गया है बाय हिम उसके द्वारा। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स उसके कुछ जो चेले चपाटे हैं क्लेम दैट दे हैव सीन हिम क्योरिंग, उनका ये दावा है उनके फॉलोअर्स का कि उसकी दवा बहुत फ़ायदा करती है। 1000 ऑफ पीपल विद हिज पाउडर, हज़ारों लोग इससे ठीक हुए हैं। डॉक्टर कर्निक ऑफ अम्बेगांव सिविल हॉस्पिटल सेज, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर कर्निक कहते हैं कि दैट द नंबर ऑफ पेशेंट इन द ईयर हॉस्पिटल हैज़ इन फैक्ट इंक्रीज्ड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से उनके पास पेशेंट की मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी दवा कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रही, फ़ायदा नहीं कर रही है अर्थात वो नुकसान भी कर रही होगी, तभी तो वहाँ पे जो पेशेंट की संख्या वहाँ पर उस एरिया में बढ़ गई है, ऐसा दावा करते हैं डॉक्टर कर्निक। अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फ्लावर्स, गेस द मीनिंग ऑफ फ्लॉक एंड फ्लावर्स। फ्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ शीप आर बर्ड्स, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फॉलोअर्स अ पर्सन हु फॉलोज आप सपोर्ट्स अ पर्सन बिलीव एट्सेट्रा। वाई इज देयर अ क्वेश्चन मार्क इन द हेडिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क इसलिए है, इसका आंसर इस तरह का इज द क्वेश्चन मार्क दैट क्वेश्चन मार्क फॉर डाउट, दैट इज क्वेश्चन मार्क फॉर डाउट है, यहाँ डाउट इसलिए है कि उसकी दवा फ़ायदा कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलायबल, विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल, हाउ डू यू वी लर्न दैट, यहाँ देखो लिखा है। तीसरा विच पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलायबल, विच पार्ट मे नॉट बी रिलायबल, हाउ डू वी लर्न दैट, आंसर इसका है लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूज़ इज रिलायबल, फर्स्ट ऑफ द न्यूज़ इज नॉट रिलायबल, वी लर्न इट द डॉक्टर स्टेटमेंट। इसका ही क्वेश्चन का आंसर दिया था, थर्ड क्वेश्चन का पहला आंसर दूसरा आंसर, वी लर्न इट फ्रॉम द डॉक्टर स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पेशेंट इन द ईयर हॉस्पिटल हैज इन फैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू वीक्स। चौथा क्वेश्चन, विल मीरी बाबा एंड हिज फॉलोअर लाइक द न्यूज़, इस न्यूज़ को सुनेंगे तो खुश होंगे, पसंद करेंगे? नो, मीरी बाबा एंड हिज फॉलोअर्स वांट्स वोंट WNT वोंट लाइक द न्यूज़, व्हाट शुड डू यू व्हेन यू फॉल्ट इट, व्हेन वी फॉल इट इल वी विजिटेड टू द डॉक्टर। सिक्स इमेजिन, सिक्स क्वेश्चन ये, इमेजिन हाउ दिस न्यूज़ आइटम हेल्प द पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ, कब लोगों को पता चला कि सच्चाई का दायर से मीरी बाबा पाउडर कैन नॉट क्योर डिजीजेज, राइट द स्टोरी अबाउट इन द शॉर्ट इन योर मदर टंग, ये कब पता चला लोगों को, अपने मदर टंग में भी लिखना है लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश में यहाँ लिख के दे रहा हूँ। 100 ऑफ पीपल फ्लॉक फॉलोइंग हिम, बहुत सारे लोग उसका फॉलो कर रहे थे उसको, बट वन डे देयर इज़ अ वन न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर, देयर आर नंबर ऑफ द पेशेंट इन दियर हॉस्पिटल हैज़ इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू वीक्स, वेन पीपुल हियर दिस न्यूज़ दे स्टार्ट गॉसिपिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन टू मीरी बाबाज, मीरी बाबा दैट मीरी बाबाज पाउडर कैन नॉट क्योर डिसीजेस। अब हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, थैंक यू।